ओके सो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह डोरेमोन देखते हुए ही बड़े हुए हो या फिर आप डोरेमोन देखते हो सो कभी ना कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि नोबिता कभी भी स्कूल जाने के लिए एनीवेयर डोर का यूज क्यों नहीं करता। आया है ना, सही सही बताना। एंड ये भी आया होगा कि जियान और सुनियो नोबिता को इतना ज्यादा परेशान करते हैं, उसे इतना ज्यादा मारते हैं, फिर भी वो उनकी शिकायत अपने मॉम और डैड से क्यों नहीं करता। आया है ना। सो आज की इस वीडियो पे आप लोगों को ऐसे 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर पता चलने वाले हैं जो कि आपके माइंड में कभी ना कभी आए होंगे डोरेमोन देखते टाइम या फिर डोरेमोन देखने के 17 साल बाद। मजाक था दोस्तों। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। ओके सो या फिर अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो अगर आप लोग डोरेमोन पिछले 5 या 6 सालों से देखते आ रहे हो तो आप सबने तो देखा ही होगा कि सिजुका के 2 या 3 डैड हैं। जस्ट किडिंग गाइस। सो जैसे जैसे डोरेमोन के सीजन बदलते जाते हैं वैसे वैसे उसकी एनिमेशन भी, बट यहाँ पे तो पूरे के पूरे सिजुका के डैड को ही बदल दिया जा रहा है। एंड ऐसा सिर्फ सिजुका के डैड के साथ ही हो रहा है पूरे डोरेमोन सीरीज में। सो अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और कहीं ही रियल में तो सिजुका के डोडो डैड नहीं है। एंड आखिर सिजुका के रियल डैड कौन है? सो चलिए अब मैं बताता हूँ। सो सिजुका के रियल डैड ये है एंड इनको आप फाइनल मान सकते हो। एंड हमें डोरेमोन स्टैंड बाय मी 1 और 2 में भी सिजुका के डैड ऐसे ही देखने को मिले थे, बट अगर हम लोग पहले के सीजन के डैड को देखें तो इनकी लुक और इनका लुक बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है। लुक क्या, कुछ भी मैच नहीं खा रहा है। सो इनको फेंको और ये है सिजुका के रियल डैड। सो अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? सो जब डोरेमोन सीरीज को बनाया गया था तब डोरेमोन के एपिसोड्स में सिजुका के डैड की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो सिजुका के डैड पहले के एपिसोड्स में आए भी तो ओनली 4 या 5 सेकंड के लिए। सो उन्हें कभी अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया होगा क्योंकि वो डोरेमोन सीरीज के मेन कैरेक्टर नहीं है। फिर जैसे जैसे डोरेमोन के एपिसोड्स आते गए वैसे वैसे सिजुका के डैड की जरूरत पड़ी, तो सिजुका के डैड को ऐसा डिजाइन किया गया होगा। एंड ओल्ड एपिसोड वाले डैड को देखने में तो सिजुका के डैड वाली फीलिंग आ ही नहीं रही थी। एंड गाइस, ये डिजाइन अब फाइनल हो चुका है क्योंकि ऐसे ही हमें डोरेमोन स्टैंड बाय मी 1 और 2 में सिजुका के डैड ऐसे ही देखने को मिले थे। सो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों था। सो आप सबने डोरेमोन के एपिसोड्स पे देखा होगा कि जियान और सुनियो नोबिता को कितना ज्यादा परेशान करते हैं, उससे अपने काम करवाते हैं। एंड जो जियान है वो तो नोबिता को हर दिन मारता है एंड वो उसे इतना मारता है कि उसके लिए चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड नोबिता कभी भी अपने लिए कुछ लेकर आता है तो जियान उसे छीन भी लेता है। सो इतना सब कुछ सहने के बाद भी नोबिता कभी भी उनकी शिकायत अपने मॉम और डैड से क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन तो कभी ना कभी आपके माइंड में जरूर आया होगा। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, नोबिता के मॉम और डैड को ऑलरेडी पता है कि जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते हैं। एंड जहाँ तक कि मेरे को याद है एक एपिसोड में नोबिता अपने डैड को बताया भी था, बट नोबिता के डैड कुछ ये बोले थे, तुम्हें अपनी मुश्किलों का सामना खुद करना चाहिए। मतलब कि मॉम और डैड को बताने का कोई भी फायदा नहीं है, ये बात नोबिता को ऑलरेडी पता है। एंड जब नोबिता बच्चा था तब भी नोबिता की मॉम को पता था कि जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते हैं। एंड जब भी जियान और सुनियो नोबिता को मारते थे तो नोबिता की दादी नोबिता को चुप करवा देती थी और कुछ भी नहीं करती थी। सो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि नोबिता आखिर बताता क्यों नहीं है। एंड यार, नोबिता के पास डोरेमोन है, सो वो अपनी मॉम और डैड को बता के क्या करेगा। ओके सो आप सबने तो देखा होगा कि नोबिता हमेशा ही स्कूल जाने के लिए लेट होता है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें वो लेट ना हुआ हो और क्लास में सबसे पहले पहुंच गया हो। बट नोबिता चाहे तो वो लेट होने से बच सकता है, और वो कैसे? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नोबिता लेट होता कैसे है। सो सबसे पहले नोबिता लेट उठता है, फिर वो जल्दीबाजी में तैयार होता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करता है एंड वो फुल स्पीड में निकल जाता है स्कूल के लिए। फिर 5 से 10 मिनट में नोबिता अपने स्कूल के सामने पहुंच जाता है, फिर उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है एंड वो यहाँ पर लेट हो जाता है। बट दौड़ के जाने के बजाय अगर नोबिता एनीवेयर डोर का यूज करेगा सो नोबिता 3 सेकंड के अंदर अपने स्कूल में पहुंच सकता है। सो वो ऐसा करता क्यों नहीं है? अब ऐसा नहीं है कि उसके पास इतना दिमाग नहीं है, आप लोग जानते हो वैसे कि उसके पास कितना दिमाग है, बट तो भी आखिर वो ऐसा करता क्यों नहीं है? सो चलिए अब मैं बताता हूँ। सो डोरेमोन नोबिता के पास क्यों आया था? उसका फ्यूचर ठीक करने, राइट? बट
इसके साथ साथ वो उसकी बुरी हैबिट्स को ठीक करने और उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए भी आया था। सो जो डोरेमोन है वो कभी भी नोबिता की हेल्प ये रोज के कामों में नहीं करता, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, होमवर्क कंप्लीट करना, ये सब में वो कभी भी अपने गैजेट का यूज नहीं करता। एंड हाँ, वो कभी कभी ये सब कामों में उसकी हेल्प कर देता है, बट अगर वो काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है तभी करेगा एंड उसका मन नहीं होता है ये सब कामों में नोबिता की हेल्प करने का। एग्जाम्पल के लिए आप लोग कंप्यूटर पेंसिल वाला एपिसोड देख सकते हो, इस पे डोरेमोन साफ साफ ये बात बोलता है कि मैं 22nd सेंचुरी से तुम्हारी चीटिंग से मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। एंड गाइस, डोरेमोन को ये बात पता है कि उसको नोबिता को एक न एक दिन छोड़कर जाना है, तो अगर रोज के कामों में डोरेमोन नोबिता की मदद करेगा तो नोबिता डोरेमोन के गैजेट्स पर डिपेंड हो जाएगा एंड वो कभी भी एक परफेक्ट इंसान नहीं बन पाएगा और उसका फ्यूचर ठीक भी नहीं होगा। सो इसीलिए डोरेमोन कभी भी स्कूल जाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करता। एंड अगर नोबिता कभी भी स्कूल जाने के लिए नोबिता की हेल्प मांगता है तो डोरेमोन कुछ ये बोलता है, मैं रोज मॉर्निंग में डोरा केक लेने जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। एंड नोबिता भी कभी भी उतना ज्यादा फोर्स नहीं करता डोरेमोन को। सो गाइस, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि नोबिता कभी भी एनीवेयर डोर का यूज क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे डोरेमोन देता ही नहीं है। एंड गाइस, डोरेमोन से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट है। सो डोरेमोन की मूवी डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 आ रही है 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर, वो भी हिंदी डब के साथ। एंड गाइस, अगर आप लोग डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 नहीं देखी हो तो देखना यार, बहुत बेस्ट मूवी है एंड मेरी फेवरेट भी। अब भले ही ये मूवी मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, पर हिंदी में देखने का मजा ही कुछ और है। सो देखने मत भूलना डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर। एंड गाइस, हाँ, ये स्पॉन्सर नहीं था, नेटफ्लिक्स ने मेरे को कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। ओके, सो या गाइस, फिर बस आज के लिए इतना ही। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज कर देना, एंड जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती है। एंड अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी क्वेश्चन है सो वो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं पक्का आप लोगों का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। ओके, सो गाइस, मैं चलता हूँ न्यू वीडियो बनाने, तब तक लिए आप लोग ये चारों वीडियोस देख सकते हो, आप लोगों को मजा आएगा। ओके, बाय बाय, और हाँ, टेक केयर।